नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन में युवा कांग्रेस ने बजाया भैंस की आग की पीट। रायसेन में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने शहर में चल रहे सड़क चौड़ीकरण में अनियमितता और गुणवत्ता विहीन निर्माण के विरोध में सागर भोपाल चौराहे से अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्यालय तहसील परिसर तक भैंस के सामने बीन बजाते हुए प्रदर्शन किया और अतिरिक्त तहसीलदार ब्रजेश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेसियों ने सागर भोपाल चौराहे से अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। रायसेन से अली हसीन की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की समस्त यूथ कांग्रेस, NSUI, अल्पसंख्यक ब्लॉक कांग्रेस, जिला कांग्रेस सब ने ये जो रोड स्वीकृत हुआ था 2018 में आदरणीय कमलनाथ जी द्वारा, उसका पैसा भी रिलीज कमलनाथ जी ने सरकार ने किया था, लेकिन ये भ्रष्ट सरकार के बनते से ही इस रोड का निर्माण शुरू हुआ। जनता के पैसे का दुरुपयोग ठेकेदार और प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है। आज देखने को मिल रहा है कि रात में रोड बनती है और सुबह उस पर जब वाहन चलते हैं तो आधा आधा फिट एक एक फिट के गड्ढे हो जाते हैं। और आज ये प्रशासन इतना ज़्यादा सत्ता के नशे में मदहोश है कि हम पूरे कांग्रेस परिवार के लोग जब ज्ञापन देने आए, पहले इन्फॉर्मेशन करने के बाद SDM साहब हमें इस मौके पे नहीं मिले, तहसीलदार साहब का हमें 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। पूरी तरह से सत्ता के नशे में चूर ये शासन और प्रशासन इनके साथ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन्हें अब चैन से नहीं बैठने देगी। यदि हमारी मांगों को, ये जनता की मांगों को नहीं माना गया तो 7 दिन का हमने अभी टाइम दिया है, 7 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी रोडों पे आएगी और इस आंदोलन को, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं रहेगा, ये जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि जनता के लिए रोड है और जनता के पैसे से होने वाला ये रोड निर्माण हो रहा है। इसमें लेट लगी थी तो हो ही गई, 2022 तक इसको बन जाना था, लेकिन गुणवत्ताहीन भी बर्दाश्त नहीं करेगी और ये जन आंदोलन बनेगा। ये रायसेन में एक रोड निर्माण हो रहा है, फोल्डन रोड निर्माण, जो कि 2018 में स्वीकृत हुआ था कमलनाथ जी के समय पर, उसका रोड का निर्माण हो रहा है, मगर वो रोड निर्माण इतना घटिया स्तर का है, इतना गुणवत्ताहीन है, उसमें किसी मापदंड का पालन नहीं किया जा रहा। उस रोड की जाँच के लिए हम एक बार पहले आवेदन दे चुके हैं और ये हमारा प्रश्न था, अगर इसके बाद सरकार नहीं मानती, इस रोड की सही गुणवत्ता नहीं आती, तो फिर हम धरना भी देंगे, बीच चौराहे पर बैठ के धरना देंगे और चौराहा जाम करेंगे। ये देखिए, कार्रवाई से संबंधित एक अलग विभाग है, हमको जो ज्ञापन दिया गया है संबंधित विभाग को हम दे दिया जाएगा और भेज देंगे और जो उसमें कार्रवाई होगी संबंधित विभाग करेगा। सर, ज्ञापन में क्या मांग की गई? जांच के विषय दिया है तो जांच उसमें जो लिखा होगा दिखाया कराया जाएगा।